इंटरव्यू जब होता है बड़ा एक प्रेशर होता है, उसको कैसे अपने टैकल डाउन? बहुत बड़ा प्रेशर था जब इंटरव्यू का दिन था, तो वो मतलब जजमेंट का दिन होता है, तो उस दिन बहुत प्रेशर होता है। आप जो भी जानते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी दब जाती है, और वो पर्सनालिटी टेस्ट है, तो उस दिन आपकी पर्सनालिटी खुल के आनी चाहिए। तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। उसको मैनेज करने के लिए मैंने बहुत पहले से ही प्रैक्टिस की थी कि अपने दोस्तों के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करना, कैसे बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप एक चीज जानते हैं, क्योंकि मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू जब दिया तो मेरा जो अनुभव इंटरव्यू का, कि अगर आप अपने समाज में बड़े बुजुर्गों से बात करना जानते हैं अदब के साथ, तो आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बात कर लेंगे, क्योंकि वहां भी आपके बुजुर्ग ही होते हैं, तो वो अदब दिखना चाहिए कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज्ञानी आदमी है, उनको ज्ञान दिखा रहे हैं, क्योंकि जो आपके सामने बैठे होते हैं उनको पूरा नॉलेज होता है, बस वो आपको जानना चाहते हैं, तो बस वो अदब होना चाहिए। बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं। बाकी आप यूपीएससी की तैयारी में इतना जरूर पढ़ लेते हैं कि आप इंटरव्यू में कुछ भी बात करते हैं। वहां तक पूछा भी गया होगा मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड के हैं, आप इंजीनियर के, कैसे इस लाइन में? हाँ, मुझसे कमाल खान के बारे में भी सवाल किया गया था कि उनके बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे आदमी थे वो। फिर मुझसे ये भी सवाल किया गया था कि इंटरनेशनल मीडिया में भारत की जो इमेज खराब है, तो ऐसा क्यों है, भारत में एक इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं खड़ी? ये तो सब कुछ तो आपके लिए इजी हुआ होगा, क्योंकि तो आप मीडिया बैकग्राउंड से। हाँ, बिल्कुल मेरे लिए इजी सवाल थे, तो इसके जवाब भी मैंने अच्छे से दिए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि मैं पत्रकार हूँ, तो ज्यादा उनका सवाल जो था करंट अफेयर की जिंदगी में था, जो सारे अभी करंट के मुद्दे चल रहे हैं, गाजा वार से लेके सारे मुद्दे। बजट उस दिन आया था मेरा, जिस दिन इंटरव्यू था, तो बजट पे भी सवाल थे बहुत। जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो सेल्फ इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा जो नेचर है, स्वभाव है, वो क्रिटिसिज्म का नहीं है। पत्रकारिता का मूल काम है क्रिटिसिज्म करना, मेरा वो स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव ये है कि जो सिस्टम है उसमें जाया जाए, शामिल हुआ जाए और रिफॉर्म किया जाए, सुधार किया जाए। तो मेरा इसलिए वहाँ से जब मैं अपने आप को पहचाना कि मैं पत्रकारिता मेरा नेचर नहीं है, तो मैंने सोचा कि यूपीएससी का रुख करना चाहिए। अच्छा, लेकिन जामिया यहाँ नकड़ियागंज से जामिया जाना, उसके बाद यूपीएससी का क्रैक करना, ओवरऑल थोड़ा बताएं कैसे अपने आप को इतना एक्सप्लोर आपने करते गए? लंबा सफर आया। बुनियादी तालीम तो मेरी नरगटियागंज से हुई, उसके बाद मैंने चेन्नई जाके सिविल इंजीनियरिंग किया, लेकिन मेन एक्सपोजर मिला जब मैं जामिया मिले इस्लामिया गया, और वहाँ की लाइब्रेरी इतनी रिच है और वहाँ का एनवायरनमेंट इतना रिच है कि आप बहुत से डाइवर्स विचारों से टकराते हैं। तो आपको पहले से, जैसे यहाँ पे गांव देहात में हम लोग जहाँ से आते हैं, तो एक स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है कि यहीं करने से ऐसा होगा, 4 बजे जगोगे तब भी अच्छा करोगे, 5 बजे जगोगे तब भी अच्छा करोगे। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि नहीं, ये सब स्टीरियोटाइप चीज़ें हैं, आप अपने को पहचानिए और अपने पे काम कीजिए। तो जामिया से बहुत एक्सपोजर मिला, जामिया के एक्सपोजर से ही आज जो भी जहाँ भी पहुँचा हूँ उसमें जामिया का बहुत। जामिया से क्या आपने कोर्स किया? जामिया से मैंने टीवी जर्नलिज्म किया। जामिया ने जो ये शुरुआत की है वो खासकर माइनॉरिटी और पिछड़े लोगों के और लड़कियों के लिए बहुत ही शानदार शुरुआत है, क्योंकि फ्री में कोचिंग दे रहे हैं यूपीएससी की, जो बहुत महंगी हो चुकी है। तो जामिया ने एक क्रांतिकारी शुरुआत की, और उसके आप परिणाम भी देख रहे हैं कि हर साल वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पिछले साल के टॉपर भी वहाँ आते थे। तो ये जामिया की शुरुआत शानदार, और जामिया में यूपीएससी करना आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वहाँ की लाइब्रेरी बहुत रिच है, वहाँ को आपको डाइवर्स किताबें मिल जाती हैं हर टॉपिक पे। तो और वहाँ की जो पढ़ने स्टडी रूम्स हैं वो बड़े हैं, फैकल्टी जो हैं, तो जामिया एक माहौल तैयार कर देता है, और आपका जो दिमाग में जो बौद्धिक खुदाई कर देता है, उसके बाद आपके विचार पनपते हैं। और जब तक यूपीएससी तभी हो पाता है जब आप नए नए विचारों को क्लिक कर पाते हैं। अभी है, कैसा लगा जब आप इतना सीरियसली, कितना अटेम्प्ट था ये आपका? ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, तो मेरे लिए बड़ा ही मुसीबत वाला समय था, और जीने मरने का समय था। आखिरी ओवर था, 6 रन चाहिए थे, यानी आईपीएल खेले आपने ना, तो ये मेरे लिए आईपीएल जैसा था कि इस बार तो कुछ कर ही देना है, नहीं तो। लेकिन ये बड़ा आसान नहीं होता, एक सेटल्ड कैरियर, ये भी न्यूज में आप सेटल्ड कैरियर में थे, लेकिन उसको छोड़कर फिर से तैयारी करना है, आप एक तो आपने रिक्स तो लिया था ना? बहुत चैलेंजिंग था, जॉब छोड़ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा, और उसके बाद मुझे बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि आदत लग जाती है एक बार जब सैलरी, तो आपको बहुत से माली चैलेंजेस का भी, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग फैसला था, लेकिन उसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, कि उन्होंने कहा कि नहीं, नौकरी छोड़ो, तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो परिवार का सपोर्ट रहा, मेरे
जो सर्किल बनी, मेरे जो दोस्त हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा। तो सबने मिलके बहुत मुझे हमेशा, जब भी मेरा हौसला हारता था तो बहुत प्रोत्साहित करते थे कि नहीं अभी तुम करोगे, अच्छा करोगे। तो खुद पे भरोसा हुआ और सबका साथ था तो आज यहाँ तक। आप कामयाब हुए हैं, बहुत बहुत मुबारक जामिया वर्ल्ड की तरफ से। एज आपके जूनियर में मोहम्मद तस्लीम जामिया से हूँ। शानदार काम कर रहे हैं आप लोग, इनका चैनल सब्सक्राइब किए देखिए। ये हमारे ही यूनिवर्सिटी के हैं और ये पत्रकारिता में चंपारण में एक नया शुरुआत किया है, शानदार शुरुआत है इनका। मैं इनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ और इनका जो न्यूज सेंस है, एडिटोरियल जिस सेंस जिसको कहते हैं पत्रकारिता, वो शानदार है। तो मैं आपके जूनियर भी हूँ। हाँ, ये मेरे जूनियर भी हैं और ये शानदार काम कर रहे हैं, तो आपको अपने काम के लिए बधाई। बहुत शुक्रिया। आशा की आप जामिया वर्ल्ड करें साथ पब्लिक न्यूज में मोहम्मद तस्लीम इस वक्त में मौजूद हूँ बिहार के पश्चिमी चंपारण अनुमंडल नकड़ियागंज में। हमारे साथ हैं सांसा सिद्दीकी साहब हैं, जो कि बहुत ही बेहतर तरीका से 762 रैंक लाए हैं यूपीएससी में। और सबसे बड़ी बात है कि ये जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट रहे हैं और खुद पत्रकार रहे हैं। ओवरऑल कैसा रहा आप, मतलब कि इतना अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे थे, जर्नलिज्म में पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर से यूपीएससी में आपने एग्जाम दिया, क्रैक किया, क्यों ऐसा लगा कि आपने पत्रकारिता छोड़कर फिर से यूपीएससी की तरफ चले? जब मैं पत्रकारिता कर रहा था तो सेल्फ इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा था, तो मुझे लगा कि मेरा जो नेचर है, स्वभाव है, वो क्रिटिसिज्म का नहीं है। पत्रकारिता का मूल काम है क्रिटिसिज्म करना, मेरा वो स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव ये है कि जो सिस्टम है उसमें जाया जाए, शामिल हुआ जाए और रिफॉर्म किया जाए, सुधार किया जाए। तो मेरा इसलिए वहाँ से जब मैं अपने आप को पहचाना कि मैं पत्रकारिता मेरा नेचर नहीं है, तो मैंने सोचा कि यूपीएससी का रुख करना चाहिए। जामिया यहाँ नकड़ियागंज से जामिया जाना, उसके बाद यूपीएससी का क्रैक करना, ओवरऑल थोड़ा बताएं कैसे अपने आप को इतना एक्सप्लोर आपने करते गए? लंबा सफर रहा है। बुनियादी तालीम तो मेरी नरगटियागंज से हुई, उसके बाद मैंने चेन्नई जाके सिविल इंजीनियरिंग किया, लेकिन मेन एक्सपोजर मिला जब मैं जामिया मिले इस्लामिया गया। और वहाँ की लाइब्रेरी इतनी रिच है और वहाँ का एनवायरनमेंट इतना रिच है कि आप बहुत से डाइवर्स विचारों से टकराते हैं, तो आपको पहले से, जैसे यहाँ पे गांव देहात में हम लोग जहाँ से आते हैं तो एक स्टूडियो टाइप बना दिया जाता है कि यहीं करने से ऐसा होगा, 4 बजे जगोगे तब भी अच्छा करोगे, 5 बजे जगोगे तब भी अच्छा करोगे। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि नहीं, ये सब स्टूडियो टाइप चीज़ें हैं, आप अपने को पहचानिए और अपने पे काम कीजिए। तो जामिया से बहुत एक्सपोजर मिला, जामिया के एक्सपोजर से ही आज जो भी जहाँ भी पहुँचा हूँ उसमें जामिया का बहुत है। जामिया से क्या आपने कोर्स किया? जामिया से मैंने टीवी जर्नलिज्म किया। टीवी जर्नलिज्म, ओवरऑल ये बताइए आपने टीवी जर्नलिज्म, लेकिन एक और चीज आप बताइए, जिस तरह से आपने आपको एक्सप्लोर किया, वहां से आपने जर्नलिज्म की तरफ एबीपी न्यूज में भी गए, ओवरऑल ये जो माहौल था जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, और जानते हैं जामिया का RCA है, वहां से बड़े तौर पर अभी भी 31 जो रिजल्ट आया है, तो क्या कहेंगे इंस्पिरेशनली तौर पर और स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? जामिया ने जो ये शुरुआत की है वो खासकर माइनॉरिटी और पिछड़े लोगों के और लड़कियों के लिए बहुत ही शानदार शुरुआत है, कि वो फ्री में कोचिंग दे रहे हैं यूपीएससी की, जो बहुत महंगी हो चुकी है। तो जामिया ने एक क्रांतिकारी शुरुआत की और उसके आप परिणाम भी देख रहे हैं कि हर साल वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पिछले साल के टॉपर भी वहाँ आते थे। तो ये जामिया की शुरुआत शानदार है। और जामिया में यूपीएससी करना आसान इसलिए भी हो जाता है क्योंकि वहाँ की लाइब्रेरी बहुत रिच है, वहाँ को आपको डाइवर्स किताबें मिल जाती हैं हर टॉपिक पे। तो और वहाँ की जो पढ़ने स्टडी रूम्स हैं वो बड़े हैं, फैकल्टीज जो हैं, तो जामिया एक माहौल तैयार कर देता है और आपका जो दिमाग में जो बौद्धिक खुदाई कर देता है, उसके बाद आपके विचार पनपते हैं। और जब तक यूपीएससी तभी हो पाता है जब आप नए नए विचारों को क्लिक कर पाते हैं। जी जी, तो ओवरऑल जैसे कि आप वहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ पर अभी हैं, कैसा लगा जब आप इतना सीरियसली, कितना अटेम्प्ट था ये आपका लिए? ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट था, तो मेरे लिए बड़ा ही मुसीबत वाला समय था और जीने मरने का समय था। आखिरी ओवर था, 6 रन चाहिए थे, यानी IPL खेले आपने ना, तो ये मेरे लिए IPL जैसा था कि इस बार तो कुछ कर ही देना है, नहीं तो फिर। लेकिन ये बड़ा आसान नहीं होता, एक सेटल्ड करियर, एबीपी न्यूज में आप सेटल करियर में थे, लेकिन उसको छोड़कर फिर से तैयारी करना है, आप एक तो आपने रिस्क तो लिया था ना? बहुत चैलेंजिंग था, जॉब छोड़ना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रहा और उसके बाद मुझे बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि आदत लग जाती है एक बार जब सैलरी, तो आपको बहुत से माली चैलेंजेस का भी, फाइनेंशियल चैलेंजेस आपके सामने आते हैं। तो बहुत चैलेंजिंग फैसला था, लेकिन उसमें मेरे परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने कहा कि नहीं
नौकरी छोड़ो, तैयारी करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो परिवार का सपोर्ट रहा, मेरे जो सर्किल बनी, मेरे जो दोस्त हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा। तो सबने मिलके बहुत मुझे हमेशा, जब भी मेरा हौसला हारता था तो बहुत प्रोत्साहित करते थे कि नहीं एक दिन तुम करोगे, अच्छा करोगे। तो खुद पे भरोसा हुआ और सबका साथ था। तो आज यहाँ तक आप कामयाब हुए हैं, बहुत बहुत मुबारक जामिया वर्ल्ड की तरफ से। एज आपके जूनियर में मोहम्मद तस्लीम जामिया से हूँ। लेकिन एक और, आप जो कामयाब हुए, ऐसे और स्टूडेंट्स, ऐसे और भी लोग हैं जो कि रिस्क लेकर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन्हें क्या इंस्पायरिंग कुछ वर्ड्स कहना चाहिए? उनके लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यूपीएससी हो या कोई भी सिविल सर्विसेज हो, उसको जीने मरने का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आप जैसे आप जामिया से किए, पत्रकारिता कर रहे हैं और माशाल्लाह इसमें भी आप अच्छा कर रहे हैं, तो आज डाइवर्स करियर ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज में कहना चाहते हैं तो सबसे पहली जो बेसिक चीज़ है सिविल सर्विसेज में, कि आपको धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। और हम जिस एजुकेशन सिस्टम से निकल के, खासकर बिहार के लड़के जो जाते हैं, तो अब जैसे मैं गया तो जब यूपीएससी का प्रिपरेशन शुरू किया तो छठा क्लास का एनसीईआरटी लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लेटिट्यूड क्या होता है, वो भी मुझे नहीं पता था, जो कि हमारे यहाँ छठा सत्वा में पता होना चाहिए। तो हम जिस डिफिसिट से जा रहे हैं एजुकेशन सिस्टम से, उसको भरने में टाइम लगता है। तो हमारे लिए एक ये संघर्ष का पल होता है। तो सबसे पहले धैर्य बनाए रखें, खुद पे भरोसा रखें और मस्त रहें, पढ़ते रहें, कुछ कुछ केवल किताबों में ना रहें। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस ये है कि सिर्फ किताबों में ना रहें, दुनिया को अपनी नज़रों से देखें, अपना एक विचार बनाएं। सबसे सहमत होना जरूरी नहीं है, अपना एक ओपिनियन बनाए हर चीज़ को लेके, वो काम आएगा। लेकिन कितना हेल्पफुल रहा आपका जो जर्नलिज्म का करियर में? जैसा देखा जाता है जो जर्नलिज्म बैकग्राउंड से होते हैं, वो जीके और जनरल अवेयरनेस का पूरा एक ऑल ओवर वर्ल्ड के अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, तो कितना आपको हेल्पफुल रहा एज ए मीडिया बैकग्राउंड आपके सक्सेस में? बहुत हेल्पफुल रहा। सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहा तो कि मैंने कभी ऐसे की तैयारी नहीं की, मैंने ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिखा है। तो क्योंकि मुझे पता था कि अगर कंटेंट हो तो उसको कैसे सजाया जाता है, जो पत्रकारिता का बेसिक है कि हेडलाइन कैसे देंगे, बीच में क्या रहेगा, कंक्लूजन क्या रहेगा। तो वो एक पेपर तो मेरा ऐसे ही पत्रकारिता के चलते इजी था मेरे लिए, मैंने कभी उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाया। दूसरी बात यह है कि करंट अफेयर को लेकर भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, और हर चीज़ का जो ओपिनियन, जैसे इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा फायदा हुआ कि हर चीज़ का ओपिनियन और स्टैंड चेक किया जाता है कि आपको हर मुद्दे को लेकर स्टैंड क्या है। तो पत्रकारिता करते वक्त ये हमें बहुत क्लियर था कि स्टैंड कैसे लेना है, ओपिनियन कैसे बनाना है। तो बहुत हेल्पफुल रहा पत्रकारिता। ओवरऑल आपने एक तरह से चंपारण और अपने घर वालों का नाम रोशन किया, कहीं ना कहीं एक हेल्दी इन्वायरमेंट आपके थ्रू बन रहा है मुआशरे में। एज ए यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एज ए इस वक्त आप एज ए रोल मॉडल बने हुए हैं स्पेशली नकटियागंज चंपारण के लिए, तो क्या कहेंगे यूथ से? यूथ से यही कहना चाहूंगा कि अपने पोटेंशियल को पहचानिए, अपने पे काम कीजिए, रोज अपने पे काम कीजिए। जिंदगी एक दिन में नहीं बनती है, रोज आपको कुछ अपने पे काम करना होता है, वैल्यू एडिशन करने होता है डेली। तो वैल्यू एडिशन पे कीजिए। सबसे बड़ी बात है इंटीग्रिटी बना के रखिए, आपके अपने लाइफ में भी ऑनेस्टी होनी चाहिए। सब किताबों की बात नहीं है कि ऑनेस्टी पढ़ने की चीज़ नहीं है, आपके लाइफ में जब ऑनेस्टी आती है तो आपको एक दिन वो बेहतर इंसान बनाती है। और बेहतर इंसान बनने का मतलब सिर्फ यूपीएससी करना या कोई नौकरी पाना नहीं होता है। तो अगर यूथ इंटीग्रिटी के साथ अपने पोटेंशियल को हार्नेस करें तो वो लाइफ में अच्छा ही करेंगे। यूपीएससी रिजल्ट आने के पहले और आ गया आपके रिजल्ट, कैसा लाइफ स्टाइल बना है और कैसा, मतलब कि एक अंदर कौतूहल चल रहा है, थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, कितने जिंदगी आप बदल चुका है आपका, एक बहुत कुछ अब सीखना है। अभी तो मैं अभी तक कल से जब रिजल्ट आया तब से मैं लोगों के बीच में हूँ, तो मुझे अभी तक खुद को महसूस करने का भी मौका नहीं मिला कि मेरा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो अभी तो मैं बड़ा उधेर बुन में हूँ कि चल रहा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जैसे आप लोग आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे हैं। तो लाइफ ने एक पॉजिटिव टर्न मारा है और एक आत्मविश्वास हौसला है कि अभी ये पहला पड़ाव है, लाइफ में अभी बहुत सी चीज़ें करनी है तो किया जा सकता है। वो एक आत्मविश्वास अपने आप में बढ़ा है। फैमिली के बारे में क्या कहें, पूरा उनकी फैमिली? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग रही है, खासकर मेरे माँ बाप बहुत सपोर्टिंग रहे हैं, और खासकर मैं अपनी बहन का नाम लेना चाहूँगा, उसने मुझे हमेशा फिनेंशियली चाहे मेंटली बहुत सपोर्ट किया है। वो एक शिक्षक है और उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, तो बहुत इमोशनल लगाव है सारे फैमिली वालों से, और सबने मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। तो
लेकिन एक लास्ट सवाल, ये तो रहा कामयाबी के बाद इतना सपोर्टिव, एवरीथिंग लाइज लुकिंग लाइक पॉजिटिव, बट मैं आपके थ्रू कहना चाहूंगा कि आप उन्हें क्या कहेंगे जिनका अटेम्प्ट किए थे और सक्सेस नहीं हुए हैं, लेकिन उन्हें इंस्पायर करने के लिए जिस तरह से आपसे मिल रहे हैं लोग खुशी जाहिर करें, लेकिन जाहिर सी बात है उन्हें भी एक मौका देना चाहिए जो अटेम्प्ट पर कामयाब नहीं हो पाए, तो उन्हें क्या एज ए फैमिली बैकग्राउंड के तौर पर क्या कहेंगे, एज ए पेरेंट के तौर पर क्या कहेंगे कि उन्हें भी सपोर्ट करना चाहिए ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट करके सफल हो सकते हैं। मेरा यूपीएससी निकालने का एक मकसद ये भी था, छुपा हुआ मकसद ये भी था कि मैं उनको बता सकूं कुछ जो उनका नहीं हो पाता है। मैं उनको बस यही कहना चाहता हूं कि ये हमारे समाज में यूपीएससी को लेके एक अलग नजरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी चीज है और बहुत आयाम है लाइफ में, तो आप अपने इंटरेस्ट पे काम कीजिए, आप जिधर जाना चाहते हैं वहाँ जाइए। आजकल ऐसे ऐसे लोग हैं, खासकर डिजिटल वर्ल्ड जब से खुला है तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, आजकल रील बना के भी लोग लाखों कमा रहे हैं। तो ये नहीं है कि यूपीएससी नहीं हुआ तो दुनिया खत्म हो गई। शायद ये बात मैं पहले कहता तो आप ये कहते कि नहीं हुआ इसलिए कह रहा, लेकिन मैं आप ऑथेंसिटी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये कोई फाइनल नहीं है आपके लाइफ का, कोई ऐसा नहीं है कि फाइनल रिजल्ट है। आप यूपीएससी नहीं कर पाए तो कुछ नहीं कर पाए, आप कहीं भी रहिए एक अच्छा इंसान बन के रहिए, कम खर्चे में भी एक अच्छी जिंदगी जी जा सकते। प्रिपरेशन का क्या मोड ऑफ था, कैसे प्रिपरेशन करते थे, कोचिंग करते थे या सेल्फ स्टडी? नहीं, मैंने कोचिंग बिल्कुल नहीं किया, बस फिलोसफी के लिए एक अलग से क्लासेस ली थी, बाकी मैंने कोचिंग कभी नहीं की है। और कोई जरूरी नहीं है कोचिंग करना, जब से यूट्यूब आ गया है और तो आपको सारे मटेरियल गूगल पे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे मटेरियल हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत अच्छे से राइटरों की किताबें हैं, तो आप उनको एक्सप्लोर कीजिए। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं कोचिंग में पढ़ नहीं पाता, इसलिए मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं बंद के नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ। कितने घंटा? मैं बहुत ज़्यादा देर नहीं पढ़ पाता, मैं डेली 4-5 घंटे पढ़ता हूँ, 4-5 घंटे से ज़्यादा मुझसे पढ़ाई नहीं होती है, तो मेरी कैपेसिटी यही है 4-5 घंटा। बाकी जिसकी जितनी कैपेसिटी है उसको पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम टाइम अपना पढ़ाई में देना चाहिए, थोड़ा सा आइसोलेट होना चाहिए। आइसोलेट होने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज से कट जाएं, समाज को देखें लेकिन भीड़ से अलग होकर देखें, भीड़ में खड़ा होकर ना देखें। ये तो रहा जैसे कि आपने प्री और मेंस के दिया, लेकिन इंटरव्यू जब होता है बड़ा एक प्रेशर होता है, उसको कैसे आपने टैकल किया? बहुत बड़ा प्रेशर था, जब इंटरव्यू का दिन था तो वो मतलब जजमेंट का दिन होता है, तो उस दिन बहुत प्रेशर होता है, आप जो भी जानते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी दब जाती है, और वो पर्सनालिटी टेस्ट है, तो उस दिन आपकी पर्सनालिटी खुल के आनी चाहिए, तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। उसको मैनेज करने के लिए मैंने बहुत पहले से ही प्रैक्टिस की थी कि अपने दोस्तों के साथ आंखों में आंखें डाल के बात करना, कैसे बोलना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप एक चीज जानते हैं, क्योंकि मेरा यूपीएससी का इंटरव्यू जब दिया तो मेरा जो अनुभव इंटरव्यू का, कि अगर आप अपने समाज में बड़े बुजुर्गों से बात करना जानते हैं अदब के साथ, तो आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बात कर लेंगे, क्योंकि वहां भी आपके बुजुर्ग ही होते हैं, तो वो अदब दिखना चाहिए कि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत ज्ञानी आदमी है, उनको ज्ञान दिखा रहे हैं, क्योंकि जो आपके सामने बैठे होते हैं उनको पूरा नॉलेज होता है, बस वो आपको जानना चाहते हैं, तो बस वो अदब होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं। बाकी आप यूपीएससी की तैयारी इतना जरूर पढ़ लेते हैं कि आप इंटरव्यू में कुछ भी बात करें। वहां तक पूछा भी गया होगा मास कम्युनिकेशन बैकग्राउंड के हैं, आप इंजीनियर के, कैसे इस लाइन में? हाँ, मुझसे कमाल खान के बारे में भी सवाल किया गया था कि उनके बारे में आप क्या जानते हैं, कैसे आदमी थे वो। फिर मुझसे ये भी सवाल किया गया था कि इंटरनेशनल मीडिया में भारत की जो इमेज खराब है, तो ऐसा क्यों है, भारत में एक इंटरनेशनल मीडिया क्यों नहीं खड़ी? ये तो सब कुछ तो आपके लिए इजी हुआ होगा, क्योंकि तो आप मीडिया बैकग्राउंड से। हाँ, बिल्कुल, मेरे लिए इजी सवाल थे, तो इसके जवाब भी मैंने अच्छे से दिए थे। और उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि मैं पत्रकार हूँ, तो ज्यादा उनका सवाल जो था करंट अफेयर के भी था, जो सारे अभी करंट के मुद्दे चल रहे हैं, गाजा वार से लेकर सारे मुद्दे, बजट उस दिन आया था मेरा जिस दिन इंटरव्यू था, तो बजट पे भी सवाल थे बहुत, तो ये सब मतलब पत्रकारिता के इर्द-गिर्द ही सवाल है। तो देखिए, खुशनसीबी है कहीं ना कहीं कह सकते हैं, शहंशाह सिद्दीकी साहब हैं जो कि बखूबी अपने स्ट्रगल, अपने एक हुनर और ललक से उन्होंने अपनी तमाम करियर के पड़ाव को पार करते हुए यूपीएससी में पास हो गए हैं और कामयाब इंसान बन रहे हैं। और साथ ही इन्होंने कहा कि अगर आप यूपीएससी में अटेम्प्ट करते हैं और फेल भी होते हैं, यानी नहीं हो पाता है, उसके बावजूद भी कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। बहरहाल देखते रहें जामिया वर्ल्ड।
और मैं इनके लिए भी कहना चाहता हूँ, अच्छा ये शानदार काम कर रहे हैं, आप लोग इनका चैनल सब्सक्राइब किए देखिए, ये हमारे ही यूनिवर्सिटी के हैं और ये पत्रकारिता में चंपारण में एक नया शुरुआत किए हैं, शानदार शुरुआत है इनका, मैं इनको फॉलो करता हूँ देखता हूँ, और इनके इनका जो न्यूज सेंस है एडिटोरियल जिस सेंस जिसको कहते हैं पत्रकारिता वो शानदार है। तो मैं आपके जूनियर भी हूँ। हाँ ये मेरे जूनियर भी हैं और ये शानदार काम कर रहे हैं, तो आपको अपने काम के लिए बधाई।